वेलकम सीरीज के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज जो मैंने सीरीज का सेट लिया है वह प्रीवियस ईयर्स पेपर से है, इंडियन बैंक पीयू एग्जाम से ये लिया गया है, मेमोरी बेस्ट है। और आप जानते हैं कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है, उनमें एक लय होता है, एक संगीत होता है, ये आपको दिखाई देगा। सीरीज को हम कैसे पकड़ते हैं आपको पता है, स्लोप के आधार पर पकड़ते हैं। मैक्सिमम स्लोप होता है जिसमें इनटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मीडियम स्लोप है जिसमें कांस्टेंट मल्टीपल होता है, इनटू 2, 2, 2, 2, 2 या इनटू 1.5, 1.5, 1.5। मिनिमम स्लोप होता है जिसमें कुछ एड सब्ट्रैक्ट होता है, टाइम्स नहीं होता। मीडियम स्लोप और मैक्सिमम स्लोप के बीच में एक मेन स्लोप होता है जो ना इनटू 2, 2, 2 चलता है और जो ना 2, 3, 4 चलता है, वो बीच में चलता है, इनटू 0.5, 1, 1.5, 2। टू सीरीज भी होते हैं और अप्स डाउन सीरीज भी होते हैं। ये मैं बार बार हर वीडियो एपिसोड में, सीरीज के एपिसोड में बोलता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में आए इसको ध्यान में रख करके, हालांकि उनको प्लेलिस्ट में जाकर के इनिशियल वीडियोस देखने चाहिए। आइए इस क्वेश्चन सेट में भी आपको मजा आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना फास्ट, लेकिन इसके बाद तो इतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट है, ये ही बता देता है कि ये जो इंक्रीजिंग है सीरीज, ये टाइम्स नहीं है। देखते हैं, टाइम्स नहीं है, टाइम्स नहीं है, तो फिर डिफरेंस में छुपा है। हमारे पास और कोई वे नहीं है सिवाय इसके कि पूछे कि इसमें क्या एड सब्ट्रैक्ट करें कि 732 आए, तो इससे पूछते हैं। हमें तो रूल नहीं मालूम ना, हम लोग तो पूछते हैं, रिजल्ट आएगा फिर सोचेंगे ना। तो 3 से 1 कितना ज्यादा है, 729। 729 देखने पर तो तुरंत माथा ठरकता है, क्योंकि ये 27 का स्क्वायर भी होता है और 9 का क्यूब भी होता है, कहीं इन्हीं दोनों में से तो कोई नहीं, पता नहीं, देखते हैं। 7 से 12 का मतलब 500 और 32 से 44 का मतलब 512 तो 8 क्यूब है, तो फिर कहीं ये 9 क्यूब तो नहीं। अब ये देखने पर हमें नजर आता है कि थोड़ा देखते हैं, क्या 9 क्यूब 8 क्यूब, क्या यहां 7 क्यूब है, हमें मालूम नहीं है। हम लोग 343 लिख के ऐड करके देखते हैं क्या आता है। यस आता है, देखिए रूल इज कंफर्म 1587, तो फिर आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, रूल इज कंफर्म। अब आप 7 क्यूब है, 6 क्यूब है, 5 क्यूब है और ये 4 क्यूब है, 4 क्यूब का मतलब 64 ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड कर दें, तो पहले 2 इसे दीजिए, 30 हो जाएगा और 62 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी 1992 इज द आंसर। बोलिए, मेरे ख्याल से आप सबों को ये समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्लोप तो बहुत धीमा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ऐड भी हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेकंड या थर्ड नंबर पर, क्योंकि एक से कुछ पता नहीं चलेगा और यहां से बड़े नंबर्स आएंगे तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस ख्याल से सेकंड या थर्ड प्लेस पर क्वेश्चन मार्क होने से कुछ ज्यादा दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। तो जरा देखिए, ये तो बहुत धीरे इंक्रीज किया है, लगता है कुछ ऐड हुआ है, यहां तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो ऐड करके नहीं आएगा, इतना बड़ा जंप तो नहीं आना चाहिए, और ये तो कया भी नहीं आएगा, डेसिमल है, डेसिमल है, डेसिमल है, डेसिमल है, पकड़ा गया। ये मैक्सिमम या मीन स्लोप का मामला है, लेकिन हमें सुटेबल प्लेस पर देखना है, कहां देखें। ये तो समझ में आ रहा है कि 5000 और 33000 है, पहले ऐसे पकड़ते हैं,
तो 6 टाइम्स करने से 30 होता है और 12 यस लगता है कि ये 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स लगता है, ये 5 टाइम्स लगता है, लेकिन कैलकुलेशन वहां नहीं करेंगे, लगता है कि शायद 5 टाइम्स हो। ये क्या है, ये जरा देखिए, तो ये बताता है टाइम्स के बारे में सही सही। यहां तो हम 6 टाइम्स हो सकते हैं, 5 टाइम्स हो सकते हैं, स्लोप में कहीं 0.5 हो सकता है, ये भी हमारे दिमाग में है। दो जगह से इसके बारे में पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होता है कि ये तो नहीं कहता कि ना ये 4 टाइम्स है ना 5 टाइम्स है, पहली बात। और ये भी ऐसा ही कुछ इशारा करता है, ये तो इनटू 1.5 है, क्योंकि हमें पता चल चुका था और ठीक ठीक हो भी नहीं रहा था, 6 टाइम्स करने से 30 हो भी नहीं रहा था। ये कहता है कि 1.5 है, ये कहता है कि 4 और 5 के बीच में ये 4.5 है। ये अगर 4.5 है तो क्या ये 5.5 है, अभी हमें मालूम नहीं। क्या ये 6.5 है, मालूम नहीं, मालूम नहीं। क्या ये 2.5 है, क्या ये 3.5 है। इन दोनों ने ये कहानी कह दी कि ऐसा ही है, पर टेस्ट तो करना पड़ेगा। आइए टेस्ट करते हैं। टेस्ट वहां क्यों करें, बड़े नंबर्स हैं, छोड़िए ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो हमने अनुमान लगाया है, इनके आधार पर अनुमान लगाया है। 24 इंटू 2.5 से 12 इंटू 5 बोलते हैं 60। अगर यहां 60 हो तो 60 इंटू 3.5 नहीं, 13 into 7, yes, 210 and the rule is confirmed। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि हम यहां पर मल्टीप्लाई करने से बचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप जल्दी बन पाएंगे, ये कंफर्म हो चुका। सो दिस इज द आंसर, 60 इज द आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिक्रीजिंग और स्लोप बहुत साफ है, 45,000 और 9,000, ये है सब्ट्रैक्शन का मामला नहीं है। मुझे तो टेबल पढ़ने का मन कर रहा है, इधर से कौन इधर से डिवाइड करे, मल्टीप्लाई क्यों ना करें, ये सब नंबर का टेबल पढ़ने का मन अभी नहीं कर रहा, मन जहां करेगा वहीं करना है। ये बताता है कि 9,000 का 5 टाइम्स 45,000, तो एक बात तो तय है कि ये तो इंटू 5 है ही है, और प्लस 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 30 है, प्लस 30 है, ये तो है, और ये तो कैलकुलेशन में हमें दिखता है। ये कैलकुलेशन भी आसान है, जरा देखिए, तो इसे 1800 मान ले तो 5 टाइम्स तो है 9000, पर उससे 5 इंटू 5 25 लेस, यानी प्लस 25 है, तो रूल का डायरेक्शन तो पता चल गया, इंटू 5 तो है, प्लस 30 है, प्लस 25 है, यानी ये इंटू 5 है और प्लस 20 है, ये इंटू 5 है प्लस 15 है। कहां चेक करें, ये चेक करने की अच्छी जगह है, क्योंकि 5 टाइम्स 10 टाइम्स कितना होगा, 680, 5 टाइम्स कितना होगा, हाफ 340, 340 प्लस 15 355, यस रूल इज कंफर्म। सीरीज में ये बात बहुत मायने रखती है कि रूल को कहां से कंफर्म करें, हर जगह गुना भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करने लग जाते, यहां ये जगह है चेक करने की। और जब ये तय हो गया इंटू 5 प्लस 10, यहां क्यों करें, यहां क्यों ना करें, इंटू 5 प्लस 5 क्यों ना करें, इंटू 5 इंटू 10 करेंगे तो 13.2 में 1.2 को उधर कर दीजिए, हाफ हुआ 0.6, इधर हाफ हुआ 6, 6.6 एंड 5 11.6, दिस 6 11.6, दिस इज द आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं। हम लोग देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 1.32 है ना, हम लोग पहले से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना, और फिर ये अच्छा नहीं लगा तो हमने ऐसा समझ लिया, और जब हाफ करना हुआ तो इसे कहा 6, इसे कहा 0.6, प्लस 5 यानी 11.6। मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 11.6।
आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 5 है, 12 है, कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं प्लस 7 है या इंटू 2 है या इंटू 2.5 है, मालूम नहीं, यहां मालूम नहीं। छोटे नंबर में स्लोप का पता नहीं चलता, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। ये तो कुछ कहता है, ये तो 3 times कहता है, पर ये क्या कहेगा और ये क्या मतलब हुआ? ये क्या 2 times है, ये क्या 3 times है? पर 3 times होने से तो एग्जैक्टली 3 times हो गया, और अगर ये एग्जैक्टली है तो ये तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, कुछ है, कुछ है। ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये 3 times है कि 4 times है, कुछ तो गड़बड़ है, यहां क्वेश्चन मार्क है। ये आइए इसके पास, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, इसे 2500 मान लीजिए, तो 6 जा होने से 15,000 हटा दीजिए, 6 जा होने से, बाकी 55 × 6 करते हैं, 50 × 6 300, फिर × 5 × 6 30, 330, तो प्लस 12 है कि नहीं? एक बात तय है कि ये इधर से इंटू 6 है और प्लस 12 है, ये तो तय है, कंफर्म है, कुछ हो जाए ये तो रहेगा ही, ये तो चेंज नहीं होगा, इसको तो बदल नहीं सकते। तो फिर क्या है? 6 है, कहीं डेसिमल तो है नहीं, तो जरूर यहां 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 5 × 1 हो सकता है, हमेशा 5 × 2 करने का प्रयास करते हैं, और यही वजह है कि स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। स्लोप की कहानी ये कंफर्म कहता है कि इंटू 6 है। इसके बाद हम लोग पूछते हैं छोटे नंबर 5 × 1 5 प्लस क्या करें तो 12 आए 7, 12 कहता है 7 ऐड कीजिए और कोई उपाय नहीं है, 12 × 2 24 प्लस क्या करें तो 36 आए 12। और आपको बता दूं, अगर आपने इतने सारे सीरीज बनाए होंगे तो एक जगह ध्यान गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8 8 8 8 × 1 + 1 × 7 = 8 × 2 + 2 × 6 × 6 + 6 × 2 रूल इज कंफर्म। अब रूल कंफर्म हो गया तो मैं रूल लिखता हूं, × 3 + 3 × 3 × 5 × 4 + 4 × 4 × 5 + 5 × 3 रूल समझ में आया? रूल तय है, कंफर्म। ये सब क्यों टेस्ट करें? आइए यहां करते हैं 4 × 1 = 23। अरे 4 × 100 का मतलब 400, 23 4 जा होता 92 और 16 में से 8 ले लीजिए, 492 and 8 माने 500 + 8 यानी कि 508। आप देख भी सकते हैं 2500 and 40 and 15 Rule is confirmed, this is the answer। मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये तो मन करता है कुछ ऐड कर दे, यहां भी मन करता है कुछ ऐड कर दे, और यहां क्वेश्चन मार्क आ गया है, कोई रूल ही बंद नहीं दे रहा, डेसिमल है और फिर डेसिमल है, तब तो स्लोप में 0.5 है ही, 99% श्योर है। अच्छा सोचते हैं क्या है इसका, कितना टाइम्स है, दिमाग खराब हो जाए कितना टाइम्स, क्यों दिमाग खराब हो जाए, इधर आइए 160 को पकड़ के लाइए, 3 जा बोले तो 480 हटा दीजिए, 18.5 बचा, 3 जा कह रहे थे ना 5.5 का 3 जा कितना हुआ 16.5, तो 480 और 16.5 496.5, तो प्लस 2 हुआ ना, यानी इंटू 3 करने से अभी हमने किया था 80 और 96.5 आया था, 96.5 यानी प्लस 2। प्लस इसलिए क्यों? क्योंकि ये बहुत कुछ कह देगा, अभी इंटू 3 है तो पूरा अनुमान है कि स्लोप इंटू 2.5 होगा, पूरा अनुमान है कि
2 होगा, पूरा अनुमान है कि 1.5 होगा, 1 होगा, 0.5 होगा, ये होगा ही होगा। इस दो जगह पर डेसिमल ने और इसके टाइम्स ने बता दिया। 8 का हाफ क्या होगा? 4, 4 में क्या करेंगे तो 11 आएगा, 7, 11 into 1, 11 में क्या करेंगे तो 17 आएगा, 6, हमें रूल नहीं मालूम। अब क्या दिख रहा है आपको? आप देख रहे हैं प्लस 7 है, प्लस 6 है, और यहां क्वेश्चन मार्क दे दिया, और यहां पर 2 है, तो क्या ऐसा तो नहीं है प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2? यस, कंफर्म। इस दोनों के आधार पर और इस थर्ड के आधार पर हमने तय कर लिया कि ये है। फिर भी फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं, चेक करते हैं। ये अनुमान तो है 6, 11 इंटू 1, 11 प्लस 6 17, ये तो सही है। 17 इंटू 1.5, 17 इंटू 1 तो 17 हुआ, और 0.5 मतलब हाफ, हाफ मतलब 8.5, तो 17 और 8.5 25.5 एंड 5 30.5, ये सही है कि नहीं? तो डबल कीजिए तो 61 प्लस 4 65, यस, दिस रूल इज कंफर्म एंड दिस इज द आंसर। हम क्यों बेवजह का मल्टीप्लाई करने जाएं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सीरीज में काफी एपिसोड्स हुए हैं, आगे भी काफी होते रहेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर्स के लगातार अवेलेबल कराता रहूंगा। आप मेरे साथ चलिए, सक्सेस के रास्ते पर मैं आपको लेकर चलूंगा। ऑल द बेस्ट।